वो एक कहावत है ना कि देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, यही कहानी है गुरु। पाकिस्तान में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद जैसे खिलाड़ियों के बीच में सऊद शकील उतना बड़ा नाम नजर नहीं आते, लेकिन सऊद शकील जो काम कर रहे हैं वो गंभीर काम है और इसी वजह से उनका जलवा जो है वो जलाल हो रहा है। पाकिस्तान के सऊद शकील, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि जब आप मुझे बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो मैं बड़ा प्रदर्शन करता हूं, पाकिस्तान में उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया और वाइस कैप्टन की शुरुआत जो है उन्होंने बड़े धमाके से की और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गुरु छोटा डॉन जो है वो बड़ा धमाका कर रहा है। छोटा डॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबर रिजवान कई बार उन्हें छोटा डॉन कह चुके हैं। वाइस कैप्टन बनने के साथ ही डेब्यू मैच में उन्होंने सेंचुरी ठोक दी। आई मीन दैट्स ग्रेट। एक तरफ बाबर आजम दो साल से चल नहीं रहे, कैप्टेंसी से हटाए गए फिर भी नहीं चल रहे, एक तरफ जिम्मेदारी सऊद शकील को आई और जिम्मेदारी के साथ डेब्यू मैच में शतक ठोक दिया और भविष्य में कप्तानी पर दावा भी ठोक दिया। सऊद शकील, अगर आपको लग रहा है कि कहानी सिर्फ शतक तक की है तो गलत है आप, क्योंकि सऊद शकील पाकिस्तान के वो प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ज्वाइंट फास्टेस्ट 1000 टेस्ट रन बनाए हैं। सऊद शकील जब से आए हैं तब से कमाल कर रहे हैं, पहले मैच में 37 रन, फिर 76 रन, फिर 63 रन, फिर 94, 53, 55, 125, फिर बीच में एक दोहरा शतक भी लगाया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वो फ्लॉप थे, लेकिन अब जब घर में वापसी हुई है तब फिर एक बार शानदार शतक लगाया है। सऊद शकील केवल 20 टेस्ट मैच खेलकर 67 की एवरेज से फिलहाल वो आगे बढ़ गए हैं और 1000 रन पूरे कर गए। और अगर आप मौजूदा दौर में देखेंगे तो उनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 20 टेस्ट मैच खेलने के बाद केवल पाकिस्तान ने ब्रैडमैन से पीछे। दैट्स ग्रेट, 20 मैच में आपने एक शतक लगा दिया है, आपने अर्धशतक लगा दिया है, 5 अर्धशतक लगाए हैं, एक शतक, एक दोहरा शतक, कंसिस्टेंसी तो है। एक तरफ बाबर आजम फ्लॉप हो रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे आखिरी 10 पारी 0, 41, 21, 23, 1, 39, 26, 14, 24, 13, बाबर 20 महीने से एक अर्धशतक नहीं जड़ पाए और ये लड़का 20 टेस्ट मैच में शतक, अर्धशतक, दोहरा शतक सब लगा के बैठा है। तो ये अपने आप में कमाल है। उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया, हालांकि कई बार कहा भी कि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में अब वो कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। ये पहला मैच उनका वाइस कैप्टन के तौर पर था और जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तब पाकिस्तान मुसीबत में थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एक्स कैप्टन का, प्रेजेंट कैप्टन का विकेट गंवा दिया था। 16 रन पर 3 विकेट थे और लगा कि मैच फंस सकता है, लेकिन वहां से न सिर्फ मैच बचाया बल्कि इस मैच में पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट जगह पर ला खड़ा कर दिया, जहां से पाकिस्तान की हार बड़ी मुश्किल है इस मैच में। सो ये अपने आप में कमाल है। सऊद शकील एक बेहतर बल्लेबाज के तौर पर लगातार काम करते आए हैं और अब जब उन्हें टेस्ट मैचेस में कम से कम अच्छे मौके मिल रहे हैं तब वो कमाल कर रहे हैं। सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 11 मैच खेले, करेक्ट कीजिएगा मुझे, पिछली बार मैंने 20 मैच कहा था, 11 मैच खेले, 20 इनिंग खेली है, 11 मैच की 20 इनिंग में 1000 प्लस रन 67 के एवरेज से, ये अपने आप में कमाल है। ये कुछ वैसा ही है जैसा इंडिया में आप जयसवाल के बारे में बात करते हैं, ये अपने आप में कमाल है। और सऊद शकील इसी वजह से फिलहाल पाकिस्तान के नंबर 1 या नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन नजर आ रहे हैं। उनके आसपास कंपैरिजन के लिए सिर्फ एक रिजवान है, बाकी कोई प्लेयर उनके आसपास कंपैरिजन के लिए नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच फंसा था 13 पर 3, 114 पर 4, लेकिन वहां से पाकिस्तान जो है 317 for 4 है। एक जबरदस्त पार्टनरशिप रिजवान और सऊद शकील के बीच में हुई और उसका असर था कि पाकिस्तान काफी स्ट्रांग पोजिशन में पहुंच गया। सैम अयूब पहले, उसके बाद सऊद शकील और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, इन 3 ने पाकिस्तान की न सिर्फ इज्जत बचाई बल्कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को डोमिनेटिंग सिचुएशन पर लाकर रख दिया। लेकिन सऊद शकील फिलहाल एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के धीरे धीरे नंबर 1 बैट्समैन बनते जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे 20 इनिंग में, इससे पहले सईद अहमद थे, उन्होंने 20 इनिंग में किया था, जावेद मियादाद ने 20 इनिंग में 971 बनाए थे, अब्दुल्ला शफीक ने 20 इनिंग में 956 बनाए थे, सादिक मोहम्मद ने 925 बनाए थे। इन सबसे बेहतर एवरेज सऊद शकील का और इन सबसे आगे फिलहाल वो निकल रहे हैं। फिलहाल उनका कंपैरिजन जयसवाल के साथ चल रहा है जिन्होंने केवल 9 टेस्ट मैच की 16 इनिंग में 1000 बना दिए थे। जयसवाल इनसे आगे एवरेज में भी हैं, जयसवाल इनसे आगे रनों के मामले में भी हैं और इनसे बेहतर खेले हैं।
जायसवाल के नाम 3 शतक है केवल 9 मैच में, लेकिन साउथ शकील बहुत पीछे नहीं है, और इसीलिए हमें लगा कि छोटा डॉन के बारे में बात करनी चाहिए।